हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये है कि ज़ॉम्बीज मेगा रैंप में नहीं आते हैं। तो मेगा रैंप चैलेंज लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि वरना मेगा रैंप आएगा ही नहीं। तो मेगा रैंप से मैं नीचे उतर रहा हूँ अपनी बुलेट से, क्योंकि भाई बुलेट से नीचे गिरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी नहीं है, गिर सकते हैं। और मैं आया, गिरा तो नहीं। उतरते हैं अब बुलेट से और लगाते हैं ज़ॉम्बी मोड। 2030 है ज़ॉम्बी मोड की चीट कोड और ये आ गए हमारे सामने ज़ॉम्बीज। ठीक है, तो अब ये आना चालू हो चुके हैं। 2-3 को बुलाते हैं और लेके चलते हैं इन लोग को मेगा रैंप की तरफ। चलो बेटा मेरे पीछे। ठीक है, आ चुके हैं हम लोग। वैसे ये लोग काफी ऊंची चढ़ाई जो है वो चढ़ पाते नहीं है, तो हो सकता है मेगा रैंप के भी ये लोग अंदर घुस जाए, जो कि वो ही हुआ गाइस। ये लोग मेगा रैंप के ऊपर चढ़ ही नहीं सकते, ना ही शायद पुलिस वाले चढ़ सकते हैं। तो अगर आपके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाए तो बस आपको मेगा रैंप पे चढ़ जाना है और आप बच जाओगे। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि ज़ॉम्बी मोड में जाओ, फिर नाइट मोड का चीट कोड डालो, फिर कार या बाइक की लाइट ऑन करो और ज़ॉम्बी के पास जाओ तो ज़ॉम्बी की जो हेल्थ है वो लाइट से कम हो जाती है। ये चीज हमने पहले चेक करी थी जब हमने ये चेक किया था कि जो ज़ॉम्बीज है वो नाइट मोड में कार की लाइट से मरते हैं कि नहीं। लेकिन हमने जब चेक किया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस। वो लोग क्या होता था, कुछ ग्लिच से आउट हो जाते थे। जैसे कि हम लोग सुपरा पीछे लाते थे ना, तो शायद सुपरा के टायर वायर से टकरा के वो लोग मर जाते थे, लेकिन लाइट से नहीं मरते थे। लेकिन हमें एक और चीज़ अब देखनी है कि लाइट से क्या इनकी हेल्थ कम हो जाती है, क्योंकि वो हमने अच्छे से देखा नहीं। तो मैं थोड़ी सी लाइट इन पे मार के देखूंगा और फिर हम लोग थोड़े बहुत मुक्के इनको मार के देखेंगे, तो समझ में आ जाएगा अगर हेल्थ कम हुई होगी तो। तो ये कुछ ज़ॉम्बीज आ रहे हैं लाइट के साथ साथ। ठीक है, अब इन सब पे लाइट पड़ रही है गाइस, आप देख सकते हो। तो थोड़ी बहुत हेल्थ तो इन सब की कम हो रही होगी अगर ये मिथ वर्क करता है तो। अब मैं जैसे उतरूंगा ना, फिर हम लोग इन पे थोड़ी बहुत गोली भी मार के देखेंगे, क्योंकि मुक्के से तो मुझे लग नहीं रहा ये मार सकते हैं इन्हें। तो उतरा मैं गाड़ी से और यही वो ज़ॉम्बीज है जिन पे हमने लाइट जलाई थी। अब थोड़ी थोड़ी गोली में ये लोग मर जाने चाहिए गाइस, अगर हेल्थ कम हुई होगी तो, है ना। देखते हैं भाई, एक भी नहीं मर रहा। मेरी हेल्थ जरूर जा रही है, लेकिन देखो एक ज़ॉम्बी भी मर नहीं रहा। भाई सबकी हेल्थ कम हुई होगी ना अगर मिथ ने वर्क किया होगा तो, लेकिन किसी की हेल्थ कम नहीं होती गाइस लाइट से। तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि शोरूम वाली सुपरा और निंजा H2R दोनों में एक साथ बैठो, मैजिक तभी होगा जब प्लेयर बाइक पर बैठेगा। तो निंजा H2R मैंने कर दी है स्पॉन, 3000 है इसकी चीट कोड। हमारी जो सुपरा है शोरूम वाली, ये यहाँ पे रखी है। अब मैं आता हूँ इसके बगल में, क्योंकि इनने बोला है अलग से सुपरा स्पॉन नहीं करनी, जो शोरूम वाली है ना उसी पे ये ग्लिच करना है। अब आते हैं दोनों के बीच में और ये मैं बैठ गया हूँ दोनों में और देखते क्या होता है गाइस। कुछ लगा तो नहीं, अच्छा हाँ इधर हो चुका है। हमारा जो बंदा है भाई ये पीछे वाली सीट पे बैठ चुका है, ये आगे वाली सीट पे नहीं बैठा गाइस। ये गाड़ी तो चला रहा है नॉर्मल, लेकिन ये पीछे वाली सीट पे बैठ कर चला रहा है, जिससे कि जो इसके हाथ है ना वो देखो कितने लंबे हो गए यार, बिल्कुल एलियन की तरह लंबे लग रहे हैं इसके हाथ गाइस। क्योंकि पीछे बैठा है तो भाई हैंडल तक हाथ जाने भी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा अलग तो हुआ है मैजिक। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि नाइट मोड में एयरपोर्ट की जो जाली रहती है ना वो ग्लो करती है। तो मैंने लगा दिया है नाइट मोड गाइस, चलते एयरपोर्ट की जाली की तरफ और आप यहीं से देख सकते हो, मुझे यहीं से ये चमकते हुए दिख रही है अलग ही गाइस। क्योंकि यार इतने ज़्यादा तो यार कोई भी जाली आप रात में देखोगे ना तो ग्लो नहीं करती है। इसको अलग से देखो, पूरा वाइट में ग्लो कराया गया है ताकि ये नाइट में भी दिखे गाइस। और सारी की सारी पूरी जितनी भी जाली है ना ये ग्लो कर रही है। मैं आपको एक बार टॉप का व्यू दिखा देता हूँ जिससे कि आपको ये सारा दिख जाए। देखो जितनी भी जाली है ना ये अलग ही ग्लो मार रही है गाइस, घास से आप देख लो, रोड से देख लो, ताकि ये रात में भी दिखे, इसलिए। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम मून ग्रेविटी की चीट लगा के हेलीकॉप्टर को मंगाए और उसे उड़ाते उड़ाते एग्जिट वाला बटन दबाएंगे तो होगा मैजिक। तो एक काम करते हैं गाइस, पहले हम लोग इन्फिनाइट हेल्थ लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है हम लोग ऊपर उड़ने वाले हैं आसमान में। क्योंकि जब भी हम लोग मून ग्रेविटी लगा के किसी चीज़ से एग्जिट करते हैं ना भाई, हमें बहुत दूर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने चालू किया हेलीकॉप्टर और जैसे ही मैंने इसको टेक ऑफ किया था मैंने एग्जिट कर दिया, लेकिन मुझे जो लग रहा था कि हम ऊपर जाएंगे उसकी जगह हम लोग नीचे आके गिर गए। अब मैं ये देख लूँ कि जो हेलीकॉप्टर है वो हवा में तो नहीं उड़ रहा, क्योंकि मैजिक तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, ये तो मुझे मैजिक जैसा लगा ही नहीं। देखते हेलीकॉप्टर अच्छा अभी आया नीचे। ठीक है गाइस, तो मुझे लगता है शायद से हवा में रुक जाता होगा ज़्यादा देर के लिए, लेकिन अच्छा मैजिक और हो सकता था। अरे हो गया यार, ये क्या था गाइस? अगर आपको समझ नहीं आया ना, मैं जैसे हेलीकॉप्टर में बैठा ना मैंने हेलीकॉप्टर के एक्सेलरेटर को दबाया नहीं, वो खुद ही उड़ने लगा, ये था मैजिक।
वो अपने आप ही उड़ने लग जाता है यार, ये ऑटो में चल रहा है, मैं तो कुछ दबा ही नहीं रहा। ये देखो मैं जैसे ही बैठा वो फिर उड़ने लग गया, वो तो मैंने फर्स्ट से एग्जिट कर दिया गाइस। एक बार मैं ये सोच रहा हूँ हम लोग नीचे लाते हुए एग्जिट करके देखें तो फिर शायद हो सकता है कुछ और मैजिक भी हो जाए। लेकिन यार इसका मैं देखो ब्रेक दबा के रखा हूँ, आप लोग मेरे हाथ देखो, मतलब मेरा बटन देखो भाई, मैं ब्रेक कंटिन्यूस दबा के रखा हूँ, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है ये तो यार रुक ही नहीं रहा है यार, ये रुकेगा कैसे। तो एक और चीज़ इधर हो चुकी है, हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो रुक ही नहीं रहा है। मेरा देखो जो बटन है ना वो ब्रेक का मैंने दबा के रखा है कब से गाइस, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर है वो अब रुकेगा नहीं, पता नहीं क्यों, ये कुछ मैजिक हो चुका है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि ड्यूक 200 का स्पीडोमीटर 188 और ड्यूक 1290 का स्पीडोमीटर 134। तो शायद से ड्यूक 200 का तो हम पहले ही मिथ में देख चुके हैं, लेकिन ये है ड्यूक 1290 1290, इसका स्पीडोमीटर हम देखें तो भाई ये 134 पे रहता है। ठीक है, अब मैं जैसे इस बाइक को चलाऊँ ना, हम लोग देखते हैं, स्पीडोमीटर तो डिजिटल है तो ये बढ़ेगा नहीं, लेकिन भाई इस बाइक में ना इतनी सारी चीज़ें, देखो 1949 करके भी कुछ लिखा है, ये शायद से ना कितने किलोमीटर चलिए वो भी लिखा है, और ये बगल में एक स्क्रीन है, यहाँ पे तो कुछ भी लिखा है यार, टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, पता नहीं क्या क्या लिखा है गाइस उस स्क्रीन में, बहुत सारी चीज़ें लिखी है लेकिन कुछ भी हिलता नहीं है, सब एक फ़ोटो की तरह है। ठीक है, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि मेगा रैम जाके नाइट मोड में सामने देखो तो ऐसा लगेगा कि वर्ल्ड के बॉर्डर पर एक बड़ी सी वॉल है। तो मैं आ चुका हूँ मेगा रैम के ऊपर और हमने लगा दिया है नाइट मोड। अब चलते हैं इसके बॉर्डर पर देखते हैं वर्ल्ड के, भाई वैसे तो मुझे वर्ल्ड का बॉर्डर ही नहीं दिख रहा है। हाँ यार ये देखो गाइस, ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि हमारी जो दुनिया है ना इसके चारों तरफ एक दीवार बन चुकी है गाइस, ब्लू कलर की, और बहुत बड़ी दीवार जिसके बाहर कोई जा ही नहीं सकता। यार ये तो खतरनाक ही सीन लग रहा है, एक बार हम लोग इस साइड से देखते तो फिर और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी वैसे वो दीवार आ ही रही है गाइस, ऐसा लग रहा है पूरा घेर लिया हम लोग को भाई इस दीवार ने। आपने अटैक ऑन टाइटन देखा है, उसमें वो लोग दीवार के अंदर ही रहते हैं, एक दीवार में ना घिरे हुए रहते सब, ये ऐसे ही लग रहा है गाइस मुझे तो, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा है। लेकिन ये सिर्फ हमें ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, वो तो हमारा वर्ल्ड पे जाके वैसे ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये दीवार देखने में खतरनाक लग रही है, बाहर इसके जा सकते हैं। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम तीन 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 वाली गाड़ी को एक के ऊपर एक रख के लोड का बटन एक साथ दबाएं फिर देखो मैजिक, और साथ में ट्रेन और लोड का बटन भी साथ में दबाना है। तो पहले करते हैं हम लोग ये वाला जिसमें है तीन 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 को दो बार रखा स्कॉर्पियो को, और अब हमें लोड का बटन और एंटर का साथ में दबाना है। ठीक है, या मैं पास ये दबाया दोनों को साथ में, और हम लोग गिर चुके हैं भाई पानी के अंदर से वॉइड में, ये पहले भी हो चुका है हमारे साथ। अब करते हैं ट्रेन वाला, तो ट्रेन वाले में हम लोग वापस लोड लिखते हैं और ट्रेन के साथ, दबाया तो मैंने लोड को लेकिन शायद हुआ नहीं, ये स्लो मोशन में करना पड़ेगा हमें, थोड़ा मुश्किल है। टिक और एंटर साथ में दबाए, शायद से हो चुका है और हम लोग फंस चुके हैं जमीन के अंदर, ये भी पहले हो चुका है हमारे साथ जिसमें हम लोग जमीन में फंस जाते गाइस। मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर हम इस दीवार के बाहर नहीं जा सकते तो क्या ज़ॉम्बीज हमें इस दीवार के बाहर से मार सकते हैं, अगर हमारे इधर उधर दीवार है तो वो चेक कर लेते हैं। तो ये ज़ॉम्बीज आए और मुझे मारना चालू कर दिया, मतलब कि भाई कोई दीवार है नहीं इधर, बस मैं ही अटका हूँ इधर, और ये ज़ॉम्बीज यार पता है ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं ना ज़मीन में आ चुका हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरे सामने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जाइंट ज़ॉम्बीज आ चुके हैं यार, ऐसी फील आ रही है मुझे बिल्कुल, कितने बड़े लग रहे हैं यार ये इस व्यू से है ना, लेकिन है तो नॉर्मल साइज़ की। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि YouTube इन मोबाइल चीट 17255। यार YouTube आ चुका है क्या गेम में, कॉन्टैक्ट्स में तो नहीं है भाई, चीट लगा के देखते हैं 17255। ये लगाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं आया गाइस अभी, ठीक है YouTube अभी के अपडेट में नहीं आया है। RGS टूल में एक बार लिख के देखूँ, YOUTUBE, वैसे लाना कोई बड़ी बात होगी नहीं लेकिन चलाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, YouTube जैसा भी कुछ आ जाए ब्राउज़र वगैरह तो भी चलेगा अभी, लेकिन नहीं है ना। देखो गैलरी है, मैप है, फ़ोन है, कैमरा है, इंटरनेट है, लेकिन अब ये खुलता नहीं गाइस, तो आगे शायद खुल जाए आगे के अपडेट में, अभी तो ये मिथ बस्टेड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की वीडियोस देखने के लिए, और कमेंट कर दो गाइस अपने अपने मिथ्स ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।